फ्रेंड्स हम ना घर देखने के लिए आए और यहाँ पे ना प्रसाद मिल गया, तो तभी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड अभी ना मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अभी मैं दिया बत्ती करूँगी, उसके बाद ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर जाऊँगी मैं अपने फ्रेंड के साथ। जो मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था ना कि हम काम से जा रहे थे लेकिन दीदी को काम पड़ गया तो वो गए नहीं, तो अब जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी मैं बत्ती कर लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट, और मैंने ना लंच भी रेडी कर दिया क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ टाइम भी लग सकता है। तो अभी फिलहाल मैं बत्ती कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर चलते। दिया बत्ती हो गई और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और उसके बाद ना सीधा चलते हैं क्योंकि फिर बाकी काम आके कर लेंगे ना। तो ब्रेकफास्ट कर लिया और बर्तन ना आके करूंगी क्योंकि अभी लेट हो रहा है ना, और मैंने सिर्फ काम करनी है। बाल भी मेरे अच्छे हो रहे हैं इस समय क्योंकि गुनगुन ने कलर लगाया था। तो जब तक मैं काम करती हूँ आप ये कलर वाली क्लिप एंजॉय करो। मैंने बाल भी बना लिए अपने और रेडी हो गई हूँ चलने के लिए। और मौसम भी ना ऐसे ही हो रहा है, कभी तो एकदम धूप आ रही और कभी हवा चल रही एकदम बारिश जैसा। तो फिलहाल चलते हैं अभी, और आज है संडे तो बच्चे घर पे। मेरी फ्रेंड ना आगे मिलेगी मुझे अभी। हाँ आज तो चमक रहे तुम, ऐसा लग रहा तुम आज ही नहाए एक महीने में नहाए ना, तभी चमक रहे हो, तभी बादल आया ना। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं घर देखने के लिए, तो हम ना घर ले रहे हैं, तो आपको बाद में बताएंगे कि किसके लिए ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी से क्या बताना, अभी तो हम खाली देखने के लिए जा रहे हैं और फिर फाइनल होता है कि नहीं होता। तो दीदी कॉल कर रही है और भैया को पूछ रही है, तो भैया भी जाएंगे हमारे साथ, इनके हस्बैंड। तो अभी चलते हैं फिलहाल आगे, और हमें सहस्त्रधारा रोड है ना, प्रेरणा स्टोर है, और बाद में हम यहाँ भी जाएंगे क्योंकि यहाँ ना शीतल वगैरह जॉब करती है, दीदी की बेटी, और दीदी की रिक्वेस्ट पे ही जाऊंगी मैं। ये मुझसे रिक्वेस्ट करे कि यहाँ का भी बनाएंगे, तो मैं आपको ना दिखाऊंगी अंदर से कैसा है क्या क्या है। तो भैया भी आ गए, तो चलते हैं अभी। तो पहुंच गए हम। तो फ्रेंड्स अभी ना हम छत में आ रखे हैं, जिस घर को हम देखने आए ना, तो उसकी छत में, और यहाँ से मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। बैक साइड ग्राउंड है, सामने घर है, अंकल जी आ रहे ना इन्हीं का ही घर है ये। तो अंकल जी कह रहे ऊपर भंडारा हो रहा मंदिर में, तो भंडारा खा के जाना। और ये छत है फ्रेंड्स, इस साइड से दिखाते हुए, इस साइड से ऐसा है, ये देखो इनको एक जैसे ट्विंस लग रहे। नीचे चलते हैं, अंकल जी बुला रहे हैं। छत से ना फ्रेंड ऐसी ऐसी सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए। रूम अच्छे हैं, काफी बड़े हैं, डबल बेड लगा के भी काफी स्पेस है ना। एक रूम ये, और ये बरामदा है, काफी अच्छा है, बरामदा भी बड़ा सा है खुला। तो नीचे चलते हैं, नीचे का दिखाते हैं आपको पोर्शन। टू रूम नीचे, ये लैट्रिन बाथरूम है। हाँ हाँ अच्छा। तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए। अच्छे लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए। हम ना घर देखने के लिए आए और यहाँ पे ना प्रसाद मिल गया, तो तभी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो चलो खाते हैं प्रसाद। और मुझे ना भंडारे का ये जो कद्दू की सब्जी और हलवा है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स भंडारा तो हमने खा लिया यहाँ पर, और मंदिर ना इस साइड है, ऊपर काफी ऊपर जाके, इसलिए हम नहीं जा रहे क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, भैया को भी ड्यूटी पे जाना है। और इधर प्रसाद तैयार किया है भंडारे का, बड़े बड़े डेक में पूरियां बन रही है। फ्रेंड ये ना पता नहीं किसके घर है, पुराने ना खंडर पड़े हुए, और काफी बड़े बड़े घर है देखो, बड़ा हुआ देख के दुख भी हो रहा। तो फोर व्हीलर भी आती है इधर, घर को देखने आए ना वो, ये वाला ग्रे कलर का। और ये है घर, ये इसकी विंडो दिख रही, और ये ऊपर तक, तो डबल स्टोरी है, दो कमरे ऊपर है दो नीचे। हम अंकल जी के घर जा रहे हैं, अंकल जी यहाँ रहते हैं। नहीं मुझे डर लगता है। अच्छा है अंकल जी, खुला खुला है। तो चलो भैया चले गए, अब हम भी चलते हैं। अंकल जी के घर से आ गए हम, और अब जा रहे प्रेरणा स्टोर में। तो ये एंट्री, तो चलो एंटर करते हैं यहाँ से। दुकान तो तुम्हारी है, यहाँ सब जॉब करते हैं, हस्बैंड जॉब करते हैं, दोनों बेटी जॉब करते हैं, तो आज तुम खिलाओगे, अमूल मस्ती पिला दो।
मैंने तो ले लिया था, मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने अपना ग्रोसरी सामान ले लिया और ये सिर्फ मुझे यहाँ घुमाने के लिए ला रखे। मैं तो मेन ऊपर आ रखी हूँ जहाँ गेम जोन है ना, मतलब वहाँ फुटबॉल सिखाते हैं और जुड़ो करांटे, तो वो दिखाऊंगी आपको। मुझे सफोकेशन होती है। नहीं आप चलो भैया हमारे इधर से, आप चलो चलो। सामने मिरर लगा रखा है, यहाँ पे होती है जुम्बा क्लासेस और योगा वगैरह। तो इधर पहुँच गए हम अभी फुटबॉल कॉर्नर में। ये आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी फ्रेंड्स और पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना रखा। तो ये सामने ऑफिस बना रखा ऊपर, एना एफसी फुटसल ग्राउंड। तो भैया भी सिखाते हैं और भी है सिखाने वाले कोच। तो भैया से पूछते हैं फिलहाल डिटेल, यहाँ पे रेट है, बच्चे की कैसा एडमिशन प्रोसीजर है वो पूछती हूँ। तो कैसे करते हैं भैया यहाँ एडमिशन का, क्या एडमिशन है आपके? 3,000 रुपए फीस है। अच्छा फुटबॉल की? फुटबॉल की। अच्छा 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 टाइमिंग? अच्छा 3 बैच है। 3 बैच में हमेशा होता है? हाँ। छुट्टियों में भी? छुट्टियों में भी। 3,000 फीस बताइए। किट मिलेगी बच्चों को? अच्छा किट मिलेगा ना, किट में क्या होगा, ड्रेस होगी? ड्रेस। अच्छा सूज भी? नहीं सूज अपने, ड्रेस होगी सूज अपने ना। हाँ तो 3,000 फ्रेंड। तो अभी समर सीजन आ रहा है, छुट्टियाँ भी है बच्चों की, तो आप यहाँ एडमिशन करा सकते हो। मंथली 1500 रुपए तो स्टार्टिंग में होगी ना 3,000 और उसके बाद मंथली 1500 रुपए। हाँ तो इतनी फीस है फ्रेंड्स। ये ना अंश नेगी है और ये बैडमिंटन खेलता है, ये टचवुड स्कूल का, ये मेरे बच्चों के स्कूल का, तो स्पोर्ट्स मैम का बेटा है। और ये ना नेशनल लेवल भी खेल रखा, आई थिंक इंटरनेशनल भी खेल रखा, मुझे पता नहीं है। सामान देखते हैं, यहाँ भैया ने ना फुटबॉल वगैरह का सामान रखा हुआ और सामने वॉशरूम भी बना रखा, बच्चों के लिए फैसिलिटी है यहाँ पर। सारा सामान फुटबॉल का, नेट वगैरह भी रखे हुए। अब चलते हैं नीचे। और फ्रेंड्स जो इसके ऑनर है ना, तो वो ना नेशनल लेवल के रेफरी हैं, और प्रवीण फ्रासी जी। फ्रेंड्स अभी हम बेसमेंट में आ गए, यहाँ पर थोड़ा शोर हो रहा, तो ये मशीन लगा रखी जौ पीसने की, ये जौ पीस रहा है और इसमें इकट्ठा हो रहा है। ये हो रही है पैकिंग, इसमें चीनी पैक हो गई, उसके बाद ना यहाँ पे ये सील हो रही है, सील पैक हो रही है। फ्रेंड अब हम जा रहे हैं एकेडमी, बैडमिंटन एकेडमी। गुनगुन को करना है ना, तो बात करने के लिए जा रहे, चलो निकालते स्कूटी। और ये जो स्पोर्ट्स मैम है ना, मंजू मैम, उनकी एकेडमी है, और मैंने अभी बेटा भी दिखाया था उनका, जिसकी फोटो अंश नेगी। चलते हैं फ्रेंड्स, अभी बात करके आते हैं बैडमिंटन की। फ्रेंड्स ये है बैडमिंटन हॉल, काफ़ी बड़ा है, इसमें 4 कोर्ट बने हुए। तो आज संडे है तो अभी क्लोज है। फ्रेंड्स एकेडमी तो बहुत अच्छी लगी हमें। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर रुक गए हम, थोड़ा गद्दे वगैरह पूछने के लिए ना, दीदी को गद्दे पूछने। तो अभी बात होगी यहाँ पर गद्दे की, तो दीदी कॉटन लाएंगे ना, उसके बाद बनवाएंगे। तो अभी फिलहाल चलते हैं अब घर। और दीदी वैसे कहते रही हैं कि कीर्तन में भी जाना है एक जगह, तो देखते हैं अभी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दीदी के घर पर भी पहुँच गए और अब यहाँ पर ना चाय पीते हैं और उसके बाद जाएंगे कीर्तन में। इधर दीदी ने ना प्याज उगा रखा, तो आजकल बारिश अच्छी हो रही ना, तो प्याज भी देखो हरा हो रखा अच्छा सा। फ्रेंड्स अगर कीर्तन की वीडियो बड़ी बनेगी ना, तो उसको मैं अलग से डाल दूंगी, कीर्तन ही कीर्तन की, क्योंकि आजकल ब्लॉग तो काफी बन गया ना। फ्रेंड्स कीर्तन से आ गया अभी और अब मैं घर जा रही हूँ, अंधेरा भी हो गया। फ्रेंड्स फाइनली मैं घर पहुँच गई और अभी अभी मैं दूध भी लेके आई, क्योंकि ये तो डेली का काम है अपना, तो दूध ले आई मैं फिलहाल। तो मॉर्निंग में हम गए थे फ्रेंड्स घर देखने के लिए, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि वो हम क्यों गए थे, किस प्लेस देखने के लिए गए थे, मेरी आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद हम स्टोर गए और फिर शाम को हम कीर्तन में गए। तो कीर्तन की अगर अलग से वीडियो लाऊंगी तो वो आ जाएगी, और अगर छोटी सी बनी होगी एडिट करके पता चलेगा तो मैं इसी में डाल दूंगी, तो देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, होप करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।